से जनगण मन नायक जय हे भारत भक्तो विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को आगामी 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप एक भाजपा कार्यकर्ता ने लगाया है, जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का अपमान किया था। यह पूरा मामला लगभग 2 माह पुराना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते साल दिसंबर में 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची थी। तब बताया गया था कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के साथ बैठक की थी। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां ही पढ़ी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। ममता ने बैठकर राष्ट्रगान की 4 से 5 लाइन ही पढ़ी और फिर खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगी। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यह वीडियो शेयर किया था। पूनावाला ने ट्वीट किया था कि क्या शिवसेना हमारे राष्ट्रगान और सम्मान के इस अपमान का समर्थन करती है? अगर नहीं तो मुझे उम्मीद है कि वे कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया की टीम ने कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम से बातें भी की है और क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। जी, एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम साहब, ये बताएं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो नेशनल एंथम डिसरिस्पेक्ट मामले में जो महाराष्ट्र में समन जारी किया गया है, क्या जानकारी आपके पास और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मगरी बंगाल रियासत के मुख्यमंत्री जब महाराष्ट्र विजिट की थी और उस दौरान नेशनल गीत यानी कि नेशनल एंथम जो चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ मजगांव के एक एडवोकेट है विवेकानंद गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख है उस इलाके के, उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी मजगांव कोर्ट में, जिसमें आज आईपी मुकासी के बेंच में उनके खिलाफ एक समन जारी किया गया है। नेशनल इंसल्ट ऑनर एक्ट 1971 के तहत, और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं उसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली बात साबित होने जा रही है। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी पे अगर ये आरोप साबित होता है तो क्या एक्शन उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं एज ए लॉयर? याचिका में अधिवक्ता ने बहुत सारी बातें कही है कि जब राष्ट्र गीत पढ़ी जा रही थी, गुनगुनाई जा रही थी, तो उस वक्त ममता बनर्जी बैठी हुई थी, फिर वो अचानक से खड़ी हुई और उसके बीच में वो वहां से चली गई। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इस आरोप को सिद्ध करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये ट्रायल का मसला है, ये साबित करना ये ट्रायल का मसला है। लेकिन जहां तक मैं मगरी बंगाल के सिटीजन होने की हैसियत से अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानता हूँ, हो सकता है कि ये आरोप सिद्ध करना मुश्किल हो, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के अलावा एक ऐसी नारी है जिन्होंने हमेशा से राष्ट्र गीत का मान और सम्मान रखा है, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी।